Hello everyone, so welcome back to the Unacademy Foundation YouTube channel. Myself Paaras Thakur, and today we will continue the second lecture of the chapter Electricity. And first of all, let me introduce myself. I have been teaching for IIT JEE and NEET for last 10 years. So basically, I teach chemistry for the JEE and NEET aspirant, but class 10th ke liye, I am teaching physics because basically I am a mechanical engineer, right? And I love physics. Okay, so in this particular course, why it is very very beneficial for all of you? क्योंकि 11th और 12th में जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वी हैव सीन वी हैव फेल्ट दैट द फाउंडेशन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. स्टूडेंट लैक द अंडरस्टैंडिंग इन द बेसिक कॉन्सेप्ट. दे नो द फॉर्मूलाज, दे नो द टर्म्स, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. दैट इज वाई जब वो 11th क्लास में आते हैं, 12th में आते हैं, तो दे हैव सम प्रॉब्लम एडजस्टिंग, बिकॉज द मोमेंट यू मूव टू द क्लास 11th, द सिलेबस, द कंटेंट, द टफनेस लेवल इज वे 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 हायर. ओके, तो 10th क्लास से 11th का जो ट्रांजिशन है, दैट इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर मेनी स्टूडेंट्स. एंड इन द इनिशियल मंथ दे स्ट्रगल टू मेंटेन पेस विद द क्लासरूम टीचिंग. ओके, तो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी भी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हो, देन अटेंड दिस लेक्चर्स रेगुलरली, शेयर करो, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो. ठीक है, तो इसमें हम आपके 10th का जो सिलेबस है वो तो कवर करेंगे. वी विल बी डूइंग अ लॉट मोर देन दैट. Yes, there are a lot of things जो आपके 10th के सिलेबस में कवर नहीं है, बट जो आप 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आई विल बी टीचिंग यू सम फंडामेंटल्स ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो कंटिन्यू करें इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2. नाउ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर सम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड ऑल, तो जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल एंड आफ्टर दैट गो टू द ब्राउजर, जो भी क्रोम, सफारी, व्हाटएवर ब्राउजर यू हैव, जस्ट गो टू द ब्राउजर, वहां पर टाइप करना है tinyurl.com/unacademyfoundation, प्रेस एंटर, यू विल बी एबल टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ द अनअकैडमी, राइट? ठीक है, और बच्चों की हमारा ऑलरेडी प्लस सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च हो चुका है फाउंडेशन के लिए. तो ये जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे, दे आर एब्सोल्युटली फ्री, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी स्टूडेंट विच हु वॉन्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, कि हमें एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है, फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है, राइट? सो वी वांट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहां पर बहुत सारे एजुकेटर्स हो, वैरायटी हो, टेस्ट सीरीज हो, ओके, सो मेनी फीचर्स, लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन एंड आल्सो डाउट सेशंस. तो वो सारे एडिशनल फीचर्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी फाउंडेशन. ठीक है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके वहां पर आप फाउंडेशन की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. सो पेड प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए करना क्या है, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इंस्टॉल करने के बाद यहां पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे. ठीक है, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास मेनू टाइप का आ जाएगा, जहां पर आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड एनटीएससी, देन आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शन. ठीक है, बट एक बहुत अमेजिंग और आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि काफी स्टूडेंट्स को जो लगता था कि सर क्या इसमें ट्रायल होगा, यस, तो नाउ देयर इज अ ऑप्शन, यू कैन अनलॉक अ 7-day ट्रायल. या इट्स फ्री, बट इसमें आप चैट नहीं कर पाओगे. ठीक है, जब आप कोर्सेज अटेंड करेंगे, क्लासेज अटेंड करेंगे, तो आप चैट नहीं कर पाएंगे, आप अपने क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पाएंगे डाउट फोरम में, मतलब लाइव क्लास के टाइम पे, बट दोज आर ओनली फॉर द ट्रायल पीरियड. वंस द ट्रायल पीरियड इज ओवर एंड यू बाय द सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन चैट और आप डाउट भी अपलोड कर सकते हो. ठीक है, तो दिस ट्रायल इज बेसिकली टू गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ द प्लस प्लेटफॉर्म, तो यूज इट ताकि आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा. और आफ्टर दैट जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यूज द कोड JLive for 10% discount, right? तो जो subscription का model है 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month, तो आप 2 साल तक का subscription ले सकते हैं. And 1 year and 2 year subscription are the most cost effective. तो 1 year का price is 17,500, ठीक है? That is around 1,458 per month. और उसपे भी अगर आप JLive code लगाते हो, you get 10% discount. तो comes down to 15,750. तो it covers everything. चलिए. तो नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो मैं लास्ट क्लास में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, कि न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है, लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस तो रिपेल करना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस स्टेबल भी है, उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंड दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर, द पार्टिकल्स डोंट फ्लाई ऑफ, ऐसा क्यों होता है? तो काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट में ऑलरेडी आंसर कर भी दिया था, दैट्स गुड, कि इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्सेस बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स.
तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. फॉर एग्जाम्पल जब आप ग्रेविटी की बात करते हो तो ग्रेविटी बेटा प्लैनेट्स के बीच में भी ऑपरेट करती है. इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूर से भी ग्रेविटी काम कर लेती है, राइट. बट न्यूक्लियर फोर्सेज बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ही ऑपरेट करते हैं. या दे ऑपरेट इन वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज. तो और ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल होंगे इस तरह से. तो ऑनली प्रोटॉन्स रिपेल वन अनदर बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, बट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स दे अट्रैक्ट. प्रोटॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट होते हैं. तो ऑल न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, दे आर कलेक्टिवली, उनको ज्वाइंटली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. तो ऑल न्यूक्लियॉन्स जिसमें प्रोटॉन्स भी आ गए आपके, न्यूट्रॉन्स भी आ गए, दे अट्रैक्ट वन अनदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो दैट इज द रीजन व्हाई न्यूक्लियस इज स्टेबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इस पर मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, बट आई विल गिव यू अ होमवर्क फॉर दिस ताकि आप पढ़ो और उसके बारे में यू विल बी डिस्कवरिंग अ न्यू सम न्यू थिंग्स अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम पेट्रोल पंप पे होते हैं, राइट, फॉर द फ्यूलिंग ऑफ द आवर ऑटोमोबाइल्स, तो आपने वहां पर एक साइन देखा होगा कि मोबाइल यूज नहीं करना है. जब भी आप पेट्रोल भरवा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तो मोबाइल यूज नहीं करते बिकॉज इट मे कॉज सम फायर. आप बोलो से मोबाइल यूज करने से फायर? यस, बिकॉज मोबाइल जब आपके वो ट्रांसमिशन ले रहा है टावर से, तो देर आर सम स्टैटिक चार्जेस. उन स्टैटिक चार्जेस की वजह से, बिकॉज देर आर सो मेनी वेपर्स, है ना, गैसोलीन के वेपर्स होते हैं, तो स्टैटिक चार्ज की वजह से देर मे बी स्मॉल स्पार्क दैट कैन इनिशिएट अ फायर. और ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं, राइट. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. देन यू टॉक अबाउट योर प्रिंटर्स. आपका जो इंक जेट प्रिंटर है वो काम कैसे करता है, वो प्रिंट कैसे करता है पेपर पे? तो दैट इज बेस्ड ऑन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आप अपने फोटोकॉपी की मशीन देख लीजिए, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस पे काम करता है. तो एक बहुत कॉमन जो एग्जांपल है, दैट इज वी गेट अ शॉक व्हेन गेटिंग आउट ऑफ अ कार. कई बार आपने देखा होगा कि आप कार से बाहर निकलते हो और जैसे आप उसका हैंडल पकड़ते हो या बाहर मेटल सर्फेस पे हाथ जाता है, झटका सा लगता है. कभी कभी आप बाहर से आ रहे हो, घर में पहुंचे, आपने दरवाजा खोला, तो जैसे आपने मेटल नॉब को टच किया, इट गिव्स यू शॉक, राइट. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जब आप गाड़ी में बैठे थे तो बिकॉज ऑफ यू आर मूविंग, तो उसकी सीट पे मूवमेंट से जो रबिंग हुई है ना आपके कपड़ों के बीच में और सीट के सरफेस के बीच में, उस रबिंग से आपके ऊपर कुछ चार्ज बिल्डअप हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे या तो सीट से आपके क्लॉथ के ऊपर या आपके क्लॉथ से सीट के ऊपर. तो चार्जेस बिल्डअप हो गए तो आप चार्ज हो गए. द मोमेंट नाउ यू टच अ कंडक्टर, आप किसी कंडक्टर को टच करेंगे तो वो चार्ज फ्लो करेगा उसको 5 मिल का फ्लो करने के लिए, वो उससे आपको शॉक, थोड़ा सा शॉक लगेगा, राइट. तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है. तो चलिए, आपको होमवर्क ये है कि बच्चों कुछ और एप्लीकेशंस हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. फ्लू एश प्रेसिपिटेटर, चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें उसके पार्टिकल्स को, स्मोक पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट करते हैं ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो. तो वो फ्लू एश प्रेसिपिटेटर या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं. उसके बारे में आपने ढूंढना है, पढ़ना है, स्ट्रक्चर उसका देखना, डायग्राम देखना. दैट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी. रटके फॉर्मूला रटके कुछ नहीं होने वाला बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अप्लाई दीज थिंग्स अराउंड यू सेल्फ, राइट. डे टू डे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं दे कैन बी एक्सप्लेन बाय फिजिक्स. सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ देम यूजिंग फिजिक्स ओनली. फोटोकॉपियर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज होती है, इंक जेट प्रिंटर में कैसे यूज होती है, तो ये सारा सारा आप करेंगे. और डेंजर्स क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी आप करके आएंगे. दैट इज योर होमवर्क. डेंजर में आपको एक तो मैंने बता दिया कि पेट्रोल पंप पे मोबाइल यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की. तो इलेक्ट्रिक फोर्स में लास्ट क्लास में जैसे बात कर ही रहे थे कि दो चार्ज पार्टिकल को जब हम डिस्टेंस पे भी रखते हैं दे स्टिल एक्सपीरियंस सम फोर्स बिटवीन देम. Now this force may be attractive, this force may be repulsive in nature. That depends. Like charges repel, unlike charges attract. So this is electric force and it is expressed by Coulomb's law. Ki force agar aapko calculate karni hai to jo formula hai that was given by Coulomb. Fine. To usko Coulomb law mein padhenge.
देखिए तो when an electric charge is placed near to another electric charge, it experiences a force from a distance. They don't have to come in contact with each other, right? So this electric force does not require contact between the two charges. So we call it an action at a distance force. It acts through space. Space से कैसे काम करता है? Just like the gravity works, right? दो masses के बीच में gravitational force है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रही थी, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे. तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स को देखें. देखिए पहला केस हम ले लेते हैं. यहां पर मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो ऑब्वियसली दे बोथ विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर फोर्स, अगर इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को मैं आर डिफाइन करता हूं, then the force is equal to k q1 q2 upon r square. Let us say this is your q1, this is your q2. So, jo do charges hai q1 q2, k is a constant, 1 upon 4 pi epsilon naught. Wo aap 12th class mein bahut detail mein padhenge uske bare mein. To k is a constant, q1 q2 charges hai upon r square. R is the distance between the two charges, right? Ab to ye to dono attract kar rahe hain. Agar positive positive honge to ye kya karenge, ye repel karenge. To ye positive is taraf ko ek force repulsion feel karega, उधर की तरफ, ये उधर की तरफ रिपल्शन फील करेगा. स्टिल जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो उतना ही होगा. हाँ, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. देखिए आर दोनों के बीच में बराबर है डिस्टेंस. अगर ये Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो तो जितना मैग्नीट्यूड फोर्स इन दोनों को अट्रैक्शन का लग रहा है उतना ही इन दोनों को रिपल्शन का लगेगा, ठीक है? वैसे अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे तब भी ये रिपल्शन फील करेंगे. इसको इस तरफ रिपल्शन फील होगी, इसको इस तरफ रिपल्शन फील होगी. तो डेफिनेटली जो फोर्स है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है. अगर मैं बोलूं कि मैं 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूं किसी चीज पे, राइट? तो 20 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा ना, सर किस डायरेक्शन में कर रहे हो? वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन. तो मैं फोर्स बोल दूं सर 20 की फोर्स है, कहां है? डायरेक्शन एज वेल. तो दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. आई डोंट नो कि आप लोगों को वेक्टर और स्केलर का कितना डिफरेंस पता है, बट चलिए अगर नहीं पता है जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. तो विल मेक श्योर कि हम इसके ऊपर एक छोटा सा सेशन लेके वेक्टर स्केलर, क्योंकि 11th क्लास में फिजिक्स में आता है, बहुत डिटेल में आता है. तो आप इस पे 11th क्लास के जो हमारे जेई लाइव वीडियोज हैं वो भी देख सकते हैं, उन चीजों को और डिटेल में समझने के लिए, राइट? तो ये होगी इलेक्ट्रिक फोर्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है. तो दैट इज थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि जब आप ग्रेविटी की बात करते हो, दो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव ही होती है, इट डजंट रिपेल. तो क्यों होता है? बिकॉज हर एक मास के चारों तरफ अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. जैसे ही दूसरा मास उसकी फील्ड में आएगा, ऑब्वियस बात है, मतलब ग्रेविटी में एक मास की अपनी फील्ड है, दूसरे मास की भी अपनी फील्ड है, फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे डोंट टच ईच अदर बट देयर फील्ड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड दे एक्सपीरियंस सम फोर्स. तो फोर्स किसकी वजह से आ रही है? फील्ड की वजह से, राइट? तो एज अ पार्टिकल क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट एंड दिस फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा होता है. सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो टू स्टेप प्रोसेस. टू स्टेप प्रोसेस, यस. इलेक्ट्रिक, एक आपने कोई चार्ज रखा, चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल पहले अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, राइट? एंड द मोमेंट अनदर चार्ज पार्टिकल कम्स इन दैट फील्ड, या आप ये बोल दो दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी भी एक फील्ड होगी, द मोमेंट द बोथ फील्ड इंटरेक्ट, तो देयर इज सम फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ चार्जेस. क्योंकि दोनों एक दूसरे की फील्ड में आ गए ना, वो तो दोनों को ही फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगी. अब वो अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है, दैट डिपेंड्स कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट? तो चार्ज, तो कोई भी जब चार्ज होता है बेटा, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है. तो चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चार्ज जो अपने चारों तरफ जनरेट करता है फील्ड, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज एक्सेप्ट द सोर्स इटसेल्फ, ठीक है, प्लेस्ड इन इट. फॉर एग्जांपल जैसे ये है,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो ये आपको एनिमेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे. पॉजिटिव से आप देखोगे पॉजिटिव से लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ अंदर जा रही हैं. ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि दिखाई तो आपको देगी नहीं, तो वी रिप्रेजेंट इट यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये जो लाइंस आपको दिख रही है इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, आप इनको देख नहीं सकते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कहां पर स्ट्रांग होगी, कहां पर वीक होगी, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, हम इस तरह की फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं बाहर, नेगेटिव में उसकी तरफ आती हैं, राइट? तो कुछ ऐसा है. तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं. ठीक है, जहां पर लाइंस ज्यादा होंगी, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, यहां पर लाइंस काफी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है. तो बेटा लाइंस जहां पर ज्यादा होती हैं वहां पर फील्ड स्ट्रांग होती है. अगर आप चार्ज को वहां रखेंगे तो वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इस वाले रीजन में देखो लाइंस उतनी नहीं है, है ना, यहां पर लाइंस की डेंसिटी उतनी नहीं है, तो आप चार्ज को यहां रखेंगे तो वो फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा. तो चार्ज को कहां रख के कितनी फोर्स मिलेगी, ये आप लाइंस ड्रॉ करने के बाद समझ सकते हो कि कहां वो स्ट्रांग फोर्स फील करेगा, कहां पर वो वीकर फोर्स फील करेगा. ठीक है, तो लाइंस के बारे में ज्यादा डिटेल अभी नहीं जाएंगे क्योंकि 12th का टॉपिक है. मैंने आपको आइडिया दे दिया बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक और तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस. दूसरा चार्ज पार्टिकल हो चाहे नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. तो एक अकेला चार्ज पार्टिकल है, उसके भी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इट डजंट डिपेंड कि भाई मेरे को दूसरा चार्ज पार्टिकल चाहिए, मैं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा, नहीं. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इसकी कोई स्पीड होती है क्या? क्या ये प्रोपेगेट करती है? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना होगा, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको आप बोलते हो, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट. तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है. ठीक है, तो वो आप ये चीज आपको आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी काफी काफी काम आएगी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, दे मूव आउट, नेगेटिव में उसकी तरफ आती है. ठीक है, क्लियर है? और अगर ये दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज लाइन कहां से चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है. तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव. तो इसमें देखो, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहां रखूं या यहां रखूं या यहां रखूं, सेम इंटेंसिटी है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड. ठीक है, मैं किसी और चार्ज पार्टिकल को यहां ऊपर रखूं टॉप में, या मिडल में रखूं, या नीचे रखूं, जो लाइंस हैं उनके बीच में स्पेसिंग बराबर है, मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है. तो मैं चार्ज को इन तीनों में से किसी भी पॉइंट पर रख दूं, वो बराबर ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो दैट रिप्रेजेंट्स एन अ यूनिफॉर्म फील्ड. ठीक है, बस लाइंस के बारे में इतना ही. बच्चों, अगर इसके बारे में आपको ज्यादा डाउट हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर देना. बट आई डोंट थिंक कि अभी हमें इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, बिकॉज फिर हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ जाएगा. ठीक है, वेक्टर्स, लॉज ऑफ एडिशन, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी. तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है. चलिए, तो इतना करते हैं. अब अगर आप देखें कि जो फोर्स कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस करता है, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज. या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज. मतलब पर यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो नेट फोर्स अगर आप देखेंगे, तो बेटा नेट फोर्स क्या आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज. अगर मैं चार्ज बड़ा कर दूंगा तो भी फोर्स बढ़ जाएगी. अगर मैं चार्ज को इतना ही रखूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूंगा, तभी फोर्स बढ़ जाएगी. तो कोई चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये डिपेंड करता है उस चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड कितना है, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है. इंटेंस होगी तो ज्यादा फोर्स, वीक होगी तो कम फोर्स. क्लियर? तो ये, अब जैसे दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रिक लाइन्स कुछ ऐसे आती है. ठीक है, मतलब बीच में जो होगा, देखो बीच में लाइन नहीं आ रही है, मतलब यहां बीच में एक चार्ज पार्टिकल को रख दूंगा, उस बेचारे को कोई फोर्स फील नहीं होगी. क्यों? मान लीजिए अगर मैंने बीच में यहां पे एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रख दिया,
तो जितना लेफ्ट वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा उतना ही राइट वाला भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो होगी ना। इसलिए ये वो रीजन है बीच वाला जहां पर लाइंस आपको नहीं दिख रही, इसका मतलब है फील्ड भी यहां पर नहीं है, या फील्ड आप समझ लो कि दोनों की फील्ड आपस में उस रीजन में कैंसिल हो गई। जबकि जब एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था तो बीच में फील्ड बहुत स्ट्रांग है, राइट। अगर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दूंगा, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको खींचेगा, तो दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में धकेल रही है ना उसको। नेगेटिव खींच इधर को रहा है, पॉजिटिव इसको पुश इधर को कर रहा है, तो डबल एफर्ट लग गया, डबल एफर्ट से ही इधर ही जा रहा है, तो इसलिए इस रीजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स वो फील करेगा। ओके डन, तो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी हो गया। अब बात करते हैं चार्जिंग की। बेटा जब भी आप किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो चार्जिंग में होता क्या है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो व्हेन वी चार्ज समथिंग, ना तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, दे जस्ट दे मूव, मूवमेंट है ना, मूवमेंट से करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। ओके, एंड वन एम्पियर, क्योंकि करंट का जो SI यूनिट था वो एम्पियर था, लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, तो वन एम्पियर इज द करंट रिजल्टिंग फ्रॉम, जब बेटा एक कूलम्ब चार्ज चलता है एक सेकेंड के लिए, तब जो करंट जनरेट होता है उसको वन एम्पियर बोलते हैं। क्या पढ़ा ना, क्यू इज इक्वल टू आई टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो करंट क्या हो गया, क्यू अपॉन टाइम, ठीक है। तो करंट वन एम्पियर होगा जब क्यू आपका वन कूलम है और टाइम आपका वन सेकेंड है। तो याद रखें कि यहां पर टाइम को सेकेंड्स में ही लेना है। टाइम हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन आपको मिनट्स में दिया हो, आवर्स में दिया हो, तो बेटा अगर आप चार्ज को कूलम में ले रहे हो तो टाइम को आपको सेकंड में लेना है, तभी आपका करंट एम्पियर्स में आएगा, ठीक है। एंड वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। और एक कूलम कितना कंटेन करता है, इट कंटेन 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी आप याद रखो, इट्स इंपॉर्टेंट नंबर, अभी के लिए आपको काम आएगा, क्योंकि आप आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी में मिलेंगे क्वेश्चन, वहां पर ये आपको इन्फॉर्मेशन काम आएगी, ठीक है। देन मिली एम्पियर 10 रेज टू पावर माइनस 3, माइक्रो 10 रेज टू पावर माइनस 6, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। जैसे हम ना डेसीमीटर, राइट, तो डेसी का मतलब होता है 10 रेज टू पावर माइनस 1। अब आप उसको मीटर के आगे लगाओ या किसी और के आगे लगा दो, ठीक है, तो डेसी मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 1, सेंटी मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 2, जैसा बोलते ना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर, समझे। मिली मीटर, मिली लीटर, मिली ग्राम, मिली किसी के भी आगे लगा दी मिली, ठीक है, तो मिली ना, तो 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो पहले तीन तो चलते हैं 1, 2, 3, मतलब माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, फिर तीन तीन के गैप में माइक्रो जाता है 10 रेज टू पावर माइनस 6, नैनो जाता है 10 रेज टू पावर माइनस 9, और पीको जाता है 10 रेज टू पावर माइनस 12। इससे आगे की फिर हमें डिटेल अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो मिली एम्पियर का मतलब, मिली का मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 3, इतने एम्पियर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर हो गया। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, इसको साथ कर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। देन लास्ट सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, ये भी आपका होमवर्क है, देखिए इसमें से कुछ चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लास्ट क्लास में किया था हमने। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, अभी वो भी कर भी लिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक कूलम चार्ज बनाते हैं, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18, अभी आपको बताया, राइट, तो ये वाला पार्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो एक बल्ब है हमारे पास जो 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर का करंट खींच रहा है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। चलिए, यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी के अभी हमने पढ़ा है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए, ठीक है, आप भी सॉल्व करो साथ के साथ, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी,
राइट, करंट कितना है 0.5 और टाइम कितना है 10 मिनट्स, मैंने कहा था मिनट्स को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 10 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 600 सेकंड्स, तो दैट इज 300 कूलम्ब, तो टाइम हमेशा सेकंड्स में लेना है. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, नाउ वी डोंट हैव अ क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है. चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, फिर हम उस पर बात करेंगे. तो जैसे क्वेश्चन आता है, हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल में आपने पढ़ा है कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना स्ट्रांगली, मतलब देखिए एक तो होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फ्री होते हैं, दे कैन मूव अराउंड. तो मेटल्स में कोर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन से फिक्स हैं, ठीक है, पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं. तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है उसी को करंट बोलते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. अब देखिए जब हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, कंडक्टर, लास्ट क्लास में बताया था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस, कि एम्प्टी स्पेस में चार्ज किस स्पीड से या और कैसे मूव करेगा दैट इज डिफरेंट, और एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैसे मूव करेगा दैट इज डिफरेंट, ठीक है. तो जब एक स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन चलते हैं किसी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से, ठीक है. ये ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, कितनी होगी, बहुत फास्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन या बहुत स्लो चलते हैं, देखते हैं. तो वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ टिपिकल कॉपर वायर कैरिंग अ स्मॉल करंट एंड इट इज फाउंड टू बी एक्चुअली वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 mm per second, दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन को उधर से इधर आने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर 1 mm per second की अकॉर्डिंग चला हुआ है. इसका मतलब हुआ स्विच बोर्ड वहां पे लगा हुआ है, मैंने ऑन किया, लाइट्स जल गई, तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 mm per second की स्पीड से चलता है तो लाइट इतनी जल्दी कैसे जल गई. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मैं सोचूं कि वहां से चल के बल्ब तक जाएगा तब लाइट जलेगी, तो उसमें तो बहुत टाइम लगना चाहिए, राइट. लाइट तो इंस्टेंटेनियसली एकदम से जलती है, तो ऐसा क्या होता है ना. अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि यहां हमने ऑन किया कुछ गया जिससे वहां पर लाइट जल गई, तो ऐसा क्या हुआ. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो बहुत स्लो है, तो इट इज नॉट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइटिंग अप ऑफ द बल्ब्स, ओके, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां का इलेक्ट्रॉन चल के वहां नहीं पहुंचता बल्ब जलाने के लिए, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, राइट. तो पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. इट्स लाइक कि आप एक लाइन में खड़े हो, राइट, लंबी लाइन लगी हुई है, सबसे पीछे जो था उसने एक धक्का दिया, आगे वाले को धक्का लगा, उससे आगे वाले को लगा, आगे वाले को लगा, आगे वाले को लगा, तो क्या होगा, जो सबसे आगे खड़ा होगा लाइन में वो जाके गिरेगा, राइट. तो धक्का लगा था सबसे पीछे वाले को और गिरा कौन, सबसे आगे वाला जाके, तो वो चीज ट्रांसलेट होती चली गई, आगे आगे मूव करती गई. तो दैट इज हाउ कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, पूरी वायर के इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो वो मोशन किसकी वजह से आया, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई थी, तो लाइट जली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. जितना फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी उतनी जल्दी लाइट जलेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से मूव करती है, इट मूव्स विद अ स्पीड अप्रोक्सीमेट टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो रफली स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, ठीक है. अब चलिए क्वेश्चन ये आया, तो ये आपको समझ आ गया कि लाइट एकदम से कैसे जल जाती है. तो ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन चल के वहां तक पहुंचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट कॉजेज द बल्ब्स टू लाइट अप टू ग्लो. नाउ अब ये जो वायर करंट कैरी कर रही है क्या ये चार्ज्ड है. आई गिव यू 20 seconds टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन एंड देन आंसर मी, क्या ये चार्ज्ड है क्या. अब करंट तो जा रहा है, करंट जा रहा है तो कुछ करंट कैरियर्स भी होंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल्स होंगे,
चार्ज होना चाहिए यार, क्या बोलते हो? राइट? नो, वायर अपने आप में न्यूट्रल है, क्योंकि वायर में ऑब्वियसली बात है एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस वाले चार्ज तो नहीं मूव करते, तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, बट वो ओवरऑल तो न्यूट्रल था ना, जस्ट वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर गए उससे करंट डेवलप हो गया, ठीक है? चार्ज मैंने क्या कहा था, चार्ज कोई बॉडी कब होती है, व्हेन देयर इज अ इंबैलेंस, उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जब इंबैलेंस हो जाता है तब जाके उसको बोलते हैं चार्ज्ड है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी थी पर वो बैलेंस थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ, ओके? तो बेटा जो करंट कैरिंग वायर है वो चार्ज्ड नहीं है, दैट इज न्यूट्रल ओनली, बस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होते ही उसके अंदर के चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? अगर वो चार्ज होती तो एक ऐसे कॉपर वायर पड़ी होती, उसको हाथ लगाता मेरे को झटका लगता, क्योंकि वो चार्ज्ड है, नो इट इज न्यूट्रल, फाइन? तो व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, कैसे चलते हैं? ठीक है, आपने बोल दिया सर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एस्टेब्लिश हुई? सर चार्ज था, ओके, तो चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई, ओके, हर एक चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज फ्लो कैसे करेगा? उस चार्ज ने तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर ली, वो बात सही है, उस चार्ज को ही मेरे को फ्लो करवाना है, वो चार्ज कैसे मूव करेगा? सर एक और चार्ज लिया था पड़ोस में, ठीक है, अगर एक और चार्ज लिया होगा पड़ोस में तो वो तो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, बट कुछ और हो सकता है क्या? कि चार्जेस जब एक न्यूट्रल वायर की, एक कॉपर वायर की बात करें तो बेटा वो तो ओवरऑल न्यूट्रल है, कोई नेट चार्ज उसके ऊपर नहीं है, ठीक है? तो आपने सर्किट में उसको लगाया, ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गए? तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? देखिए, अब पानी के फ्लो से इसको रिलेट करते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो करंट क्या है? करंट वाटर करंट भी हो सकता है, एयर करंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब थी, बट हॉरिजॉन्टल ट्यूब में पानी है, क्या वो मूव करता रहेगा? हॉरिजॉन्टल ट्यूब में पानी बढ़ा हुआ है, क्या इसके पास ऐसी टेंडेंसी होगी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करे? करेगा क्या? नहीं, क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, यह तो नहीं करेगा ना, ऐसा है ऐसा ही पड़ा रहेगा, फाइन? देन इफ यू टॉक अबाउट दिस, अब यहां पानी हाइट पे है, ठीक है, तो यहां पर हाइट पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, हाइट पे नहीं, मतलब एक्चुअली इस प्रेशर पे, क्योंकि इस पॉइंट पे इसके ऊपर वाटर है, तो वाटर के वेट की वजह से यहां पर प्रेशर लगेगा ज्यादा, ठीक है? तो कंपैरेटिवली इस यहां पर देखेंगे, इस पार्ट पे, तो यहां पर लो प्रेशर होगा, तो बेटा इस एंड में हाई प्रेशर था, उस एंड पे लो प्रेशर था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो करेगा, ठीक है? पानी ऊपर से नीचे आता है, राइट? तो पानी की जो मूवमेंट है उसमें एक तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया, ठीक है, दूसरा मैं बोलता हूं कि प्रेशर का डिफरेंस आ गया, तो पानी को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? यहां प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, तो वाटर फ्लोज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस हियर, तो किसी चीज का डिफरेंस होना चाहिए, जब हवा चलती है तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलती है हवा, तो करंट के चलने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चीज होनी चाहिए, राइट? तो फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर, ग्रेविटी का कोई काम नहीं होता, जैसे कि आप बोलोगे पानी से ऊपर से नीचे आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है, तो करंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, कि यहां इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रिक प्रेशर कम है, तो वहां से यहां पर आपका चार्ज मूव करेगा, तो दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर, ठीक है? जैसे ये मैंने एक कंडक्टिंग वायर ले ली, लेट से मैं ये बोल दूं दिस एंड इज एट अ हायर पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, उसको इलेक्ट्रिक प्रेशर की तरह मानो, कि ये एंड बोल दिया मैंने हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला जो एंड है दैट इज एट अ लोअर पोटेंशियल, ठीक है? तो चार्ज क्या होगा, जो भी आपके पास चार्ज होगा यहां पे Q, वो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, प्लस Q, तो ये चार्ज मूव करेगा, ठीक है? तो चार्ज मूव क्यों किया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, हाई से लो चला गया, दैट्स ऑल डन। तो पानी ऊपर से नीचे तो आ जाता है ग्रेविटी की वजह से,
बट अगर मेरे को बैठकर सर्किट में करंट देना है, सर्किट तो कॉन्टिन्यूस फ्लो है, कॉन्टिन्यूस साइक्लिक है वो पूरा, राइट right? ऐसा नहीं कि तार ले ली तुमने यहां से यहां तक करंट चला के दैट्स ऑल. जब तक बेटा सर्किट कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक तो करंट उसमें नहीं आता. तो हाई पोटेंशियल यहां से यहां तक तो मैं इसको ले गया. अब जैसे कि ये मेरे पास सेटअप है, इट्स अ वाटर सर्किट. ये पानी है, ये आपकी पाइप है, ये बीच में लगा पंप. तो हुआ क्या कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम बी. तो बेटा ए से बी तक तो पानी खुद ही चला जाएगा क्योंकि हाइट का डिफरेंस है, ग्रेविटी की वजह से आ जाएगा. पर बी से वापस ए लाना है मेरे को, अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली इसको चलाना चाहता हूं इस तरह से, तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो ऐसा समझ लो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक तो पानी खुद चला गया, लो से हाई लेके जाना है तो बच्चा उसको पंप तो लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट right? वैसे ही जब एक सर्किट की बात होती है, ठीक है, तो सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक तो चार्ज खुद चला जाता है. पर अगर आप सर्किट को कंप्लीट करना चाहते हो तो अगेन उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लाना पड़ेगा. उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा और वो कुछ हम क्या करते हैं, हम बैटरी लगाते हैं. तो बैटरी क्या करता है, बैटरी को आप ऐसे डिनोट करते हो, जैसे बैटरी एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, ठीक है, ये बैटरी है. बैटरी क्या करती है, देखो ये बड़ी वाली लाइन है ना, उसको पॉजिटिव एंड लेते हैं, पॉजिटिव को एक्चुअली हाई पोटेंशियल मानते हैं, छोटी वाली लाइन को नेगेटिव पोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है. तो पॉजिटिव वाला बेटा हाई पोटेंशियल हुआ, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल हुआ. तो ये हाई जो पोटेंशियल है, हाई से लो तक तो वो खुद ही पहुंच जाएगा चार्ज. दिक्कत थी लो से हाई पे जंप करवाने की, समझ आया. फिर से देखो, बैटरी में इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी. पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, तो बेटा हाई से लो तो वो चला जाएगा स्पॉन्टेनियसली, अपने आप चला जाएगा, ठीक है, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है. पर ये लो से हाई वाला जंप है, इसके लिए तो कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो बैटरी क्या करती है, बैटरी उसको वो एनर्जी देती है कि भाई तू जा ले, उसको धक्का देती है कि चल तू जा लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जंप कर, फिर हाई से लो तो खुद आ जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है. तो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, उसको वो एनर्जी देती है कि चलो भैया कूलम चलो, अभी एनर्जी का तुम्हें बोरा दे दिया है, अब इस बोरे को लेके चलो. धीरे धीरे वो चलते चलते अपनी एनर्जी खत्म करेगा, करते 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 यहाँ पर बुरा खाली. फिर बैटरी बोलेगी चल भैया फिर से और एनर्जी ले, फिर से जा. तो बैटरी प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी फॉर द चार्ज टू फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर, हायर से लो फिर खुद आ जाता है. तो ये होता है सर्किट. तो हाई टू लो तो चल पड़ेगा, लो से हाई के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट समझे, क्लियर है. चलिए तो एक काम करते हैं, मैंने आपको बेसिक सा फंडा बता दिया. अब नेक्स्ट लेक्चर बेटा कंटिन्यू करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी सारी चीजें, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए और प्रॉब्लम्स भी करेंगे, फाइन. तो तब तक आपको जो मैंने होमवर्क दिया, ये सारी चीजें बताई, इनको पढ़ो अच्छे से, रिवाइज करो. और जो भी नया स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को देख रहा है तो बेटा सब्सक्राइब करना. और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया, कुछ नया सीखा, देन लाइक और शेयर जरूर करना है, फाइन. इतना क्लियर है सबको. और प्लस सब्सक्रिप्शन जिस जिसको ज्वाइन करनी है, डोंट फॉरगेट यूज द कोड JLIVE. 7 डे का फ्री ट्रायल ऑलरेडी मिल रहा है, 7 दिन ट्राई करो प्लेटफॉर्म को अच्छे से और फिर ज्वाइन करो यूजिंग द कोड JLIVE, फाइन. और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये जो आपकी फाउंडेशन बनेगी इन लेक्चर्स के थ्रू, that is going to help you a lot in your coming years. Okay? Chale guys, thank you for your time. I hope you enjoyed. Milte hain fir ek aur amazing session ke saath.